का वर्धंती महोत्सव है और यह 61वां उनका वर्धंती महोत्सव उस भाव के साथ में है जिस भाव की संस्कृति और संस्कार धर्म से देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। आपने उसी धर्म के अनुरूप वृक्षारोपण का यह कार्य सारी प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा के रूप में आपने एक उपासना के रूप में लिया है। दूसरे स्वरूप में आपने आदिवासी और वनवासी अंचल में जो हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और जिसके लिए अनवरत हमारा 75% जो समय है जिन आदिवासी वनवासियों के लिए जाता है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए आपने विद्या के संसाधन उपलब्ध कराए हैं। पढ़ने लिखने के लिए आपने पुस्तकों से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने उनके लिए की हैं। मैं इस वर्धंती महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण के इस कार्य को भगवान की ही उपासना के रूप में देख रहा हूं, परमात्मा की उपासना के रूप में ही देख रहा हूं और एक धर्माचार्य होने के नाते, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर होने के नाते, आपने जो प्रकृति की पूजा का उपक्रम किया है जिसकी आज नितांत आवश्यकता है सारी विश्व की मानवता के लिए और संपूर्ण उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के लिए और दूसरा हमारे सनातन सिद्धांत में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की अवधारणा के स्वरूप में आपने जो संपूर्ण विश्व को ऑक्सीजन देना, प्राण वायु देना जैसा है, आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संसार को भी आपने जीवंत करने का एक उपक्रम किया है। मेरी बहुत बहुत शुभ अनुशंसा है आपके इस भूरी भूरी प्रशंसा है इस महान कार्य के लिए, अद्वितीय कार्य के लिए और आप जीवेद सर्वदा सतम, यही हमारी शुभ। महाराज, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एक प्रश्न है मेरे मन में कि अगर मानव संसाधन के लिए जिस तरह लोगों के लिए आज बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, पर्यावरण का कत्ल किया जा रहा है। आपको पता होगा पिछली सरकार ने कारशेड जो पवई में बन रहा था उस पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी नई सरकार ने उसको शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के तौर पर। कैसा देखते हैं सर आप उसको? पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक सरकार अपने अपने तरीके से करती ही है और यहाँ भी वर्तमान में चूंकि मैं पर्यावरण मंत्री जो केंद्र में है भूपेंद्र जी, उनके भी उनके संपर्क में सतत रहता हूँ और वो मेरे संपर्क में रहते हैं, तो जो वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, कई तरह से कार्य किए जा रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैसे ये वृक्षारोपण का कार्य, विकास के लिए जो कार्य किए जाएं वो जो बहुत नितांत आवश्यक हैं, वो अपनी तरह से आवश्यक हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए होने चाहिए, लेकिन पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी सरकार अपने अपने स्तर पर जो काम करे। हम चाहते हैं कि इस तरह का उपक्रम जिस तरह से आज जो हो रहा है, ऐसे उपक्रम नित्य निरंतर चलते रहना चाहिए, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। थैंक यू। और ये हम समझते हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में, समाज सिर्फ राजनीतिक जगत में नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है, सामाजिक जगत की है, धार्मिक जगत की है, सभी क्षेत्र के लोग इसके लिए आगे बढ़ करके काम करें। दूसरे स्वरूप में एक हम एक बात विशेष घटना के संदर्भ में बोलेंगे, बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो मानवता की हत्या हो रही है, सनातन धर्मियों की हत्या हो रही है और ऐसे समय में जब हम सारे विश्व को एक शांति और सद्भाव का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये एक इस तरह का वातावरण कि अराजकता का वातावरण तो वहाँ जो है वो हमारा चिंता का विषय नहीं है, वो वहाँ की सरकार की चिंता का विषय है, लेकिन वहाँ रहने वाले जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वहाँ उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को तोड़ने के साथ साथ में माताओं बहनों के साथ में कुकृत्य किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने सबकी चिंता की है और हमने सबकी कल्याण की कामना की है, लेकिन हमारे सनातन धर्मियों की कहीं भी किसी तरह से हत्या हो, उनके मान सम्मान के साथ में ठेस पहुंचाई जाए, हमारे धार्मिक स्वरूप को विकृत किया जाए, ये किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम भारत की सरकार को एक धर्माचार्य होने के नाते उनसे
आग्रह भी करेंगे और निर्देश भी देंगे कि वहाँ जो बांग्लादेश में हमारे सनातन धर्मी हैं उनकी हर हाल में रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और उसके लिए जो करना प्रयास किया जाए वो भी प्रयास किया जाए। दूसरे स्वरूप में हिंदुस्तान के अंदर में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको भी यहाँ से निकाल करके और बाहर किया जाए, नहीं तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन हमारे देश में वही अराजकता का वातावरण हो जाएगा। हमारे यहाँ के उपासना के स्थल, और अभी आप लोग सामान्यतः देखते हैं, कई जगह देखते हैं, चोरी हुई, डकैती हुई, कौन कर रहा है, उसमें कितने कितने तरह के लोग, कौन बांग्लादेशियों के नाम आ जाते हैं, कई तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हमारा विशेष भारत सरकार से भी आग्रह रहेगा कि इस क्षेत्र में उनको चिंता करनी चाहिए। महाराज, अभी जैसे आपने कहा कि बांग्लादेशियों को भारत में जो रहते हैं घुसपैठियों के तौर पे देखा जाता है, लेकिन सरकार खुद इस हादसे के बाद कई हजार बांग्लादेशियों को भारत लाना चाहती है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सनातनी धर्मों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बड़े मीडिया द्वारा, घुसपैठ मीडिया द्वारा, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि दूसरे समाज के लोग मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। कल भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुआ, हमने खुद देखा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि जब दूसरा समाज मंदिरों की रक्षा कर रहा है, हिंदुओं की रक्षा कर रहा है, तो ये बात कहाँ से फैल रही है कि सनातियों पे हमला हो रहा है? एक जगह दो जगह कोई रक्षा कर ले वो अच्छी बात है, उनको जिम्मेदारी है। आज हम नहीं करते क्या? कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं किया किसी ने रक्षा करके? हमने पूरे विश्व की रक्षा करी है, हमने उन लोगों को भी शरण दी है जिन लोगों ने अलग राष्ट्र के धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र मांग लिया, हमने उनको भी अपने देश में संरक्षण दिया है, और उनको आज जो जीने का स्वरूप आज इस देश के अंदर में है, शायद उस देश में जाते जहां पर जो राष्ट्र उन्होंने भारत माँ की दो टुकड़े करके लिए थे, वहां भी उनको सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधा उनको यहां मिल रही है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम यहाँ के लोगों को जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ जो हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहा है वो हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो अत्याचार हो रहा, अनाचार हो रहा है वो कोई छिपा नहीं है। कितने सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आना पड़ा, कितने बांग्लादेशियों को हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को हमारे देश में आना पड़ा, तो ये निश्चित रूप से वहाँ की सरकार को भी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं वो कोई उहापोह नहीं है, एक कोई रक्षा कर रहा है तो उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन जो अत्याचार हजारों की संख्या में हो रहा है कि आज लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में, ये भी आपने देखा होगा, लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, तब तो वहां एकत्रित हुए हैं, कोई वहां पर वो किसी को धन्यवाद करने के लिए नहीं हुए हैं कि आपने हमारी बहुत अच्छी रक्षा करी है। लहानपणापासूनच समाजकार्याची आवड आहे आणि त्यामुळे आमचे मित्र अभिनंद कुमार शहाणे आणि माझी मुलं अभिजित शिवजित आहे आणि बाकी सगळे आपली मंडळी आहेत सेवाकुंडची, या सर्वांनी मिळून एक सेवाकुंडची निर्मिती केली केवळ सामाजिक कार्य करण्याच्या उद्देशाने। तसं सामाजिक कार्य करताना सेवाकुंडची जेव्हा निर्मिती झाली तेव्हा एक पंचसूत्री कार्यक्रम करण्याचं नियोजन आहे, म्हणजे शिक्षण, आरोग्य आहे, रोजगार आहे, पर्यावरणाचं संरक्षण आहे आणि जलसंवर्धन आहे। अशा पंचसूत्रीमध्ये आपण काम करायला पाहिजे असं सेवाकुंडचे सर्व प्राधिकारी ठरवलं आणि त्या दृष्टीने आमची वाटचाल सुरू आहे। आपल्या राज्यातील जो आदिवासी घटक आहे, वंचित घटक आहे, ग्रामीण भागामध्ये पण शिक्षणाची खूप अनुभव आहे, लोकांना शिक्षणाची सुविधा मिळत नाही, आरोग्याची सुविधा मिळत नाही, या गोष्टीकडे जास्त फोकस करावं। रोजगाराच्या समस्या आहेत, पर्यावरणाच्या समस्या आहेत, पाण्याच्या समस्या आहेत, त्या सर्वावरती आपण काही ना काही हातभार लावावा या उद्देशाने हे सामाजिक सेवाकुंड कार्यकर्ते आहे। माझ्या 61 निमित्ताने वृक्ष लागवडीचं मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम हाती घेतला गेलेला आहे। त्याचं कारण असं की दोन कारण आहेत, की त्या वृक्ष लागवडीमधनं पर्यावरणाचं संवर्धन तर निश्चित होणारच आहे, पण अशा प्रत्येक जिल्ह्यातनं असे 10 गावं निवडली आहेत आणि त्या 10 गावामध्ये ज्या घरांच्या आवारामध्ये जागा आहे अशा प्रत्येक फॅमिलीला 5 फळझाडं देण्याचं नियोजन आहे। फळझाडामध्ये चित्तचं झाड असेल,
आवळ्याचं असेल, जांभळ्याचं असेल, पेरू असेल, आंबा असेल, सीताफळाचं असेल, अशा पद्धतीचे पाच पाच झाडं जे आहेत ते द्यायचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात पण झाली आहे पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये. विविध कृषी विद्यापीठामधनं मनकुमारनी ही झाडं सर्व ऑर्डर केलेली आहेत आणि ते प्रत्येक गावामध्ये जाऊन म्हणजे जे काही आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत त्या ठिकाणी त्या झाडांची लागवड केली जाते. या योग्य पर्यावरणाचं संवर्धन होईल वृक्षवाढीमुळे आणि झाडांना जी काही फळं येतील त्या फळांची विक्री करून म्हणजे ज्या कुटुंबामध्ये हे झाडं लावली जातील त्या फळांचा उपयोग पण त्या कुटुंबाचं उदर निर्वाहासाठी किंवा मग त्यातनं पण ते उत्पन्न काढू शकतात असा दृढ उद्देश. सर आपल्या वाढदिवसानिमित्त काय सामाजिक संदेश देणार? नाही वाढदिवसाच्या वाढदिवस माझा 30 ऑक्टोबर आता वाढदिवस आहे 61 तुम्हाला पूर्ण होतील. संदेश हाच असेल की पर्यावरणाचं संरक्षण करा आणि जलसंवर्धन करा हा संदेश कारण हल्ली काय झालंय की पाण्याचे स्रोत पण खूप कमी झालेले आहेत आणि पाण्याचं पण जपणूक करण्याची खूप आवश्यकता आहे. वनसंवर्धन आणि पाणी संवर्धन हे सगळ्यांनी करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे आणि सगळ्यांनी ते करावं असा माझा संदेश आहे. सर कॅन यू थ्रो सम लाइट ऑन द सेवाकुंड ट्रस्ट विच आर रनिंग एंड व्हाट आर इट्स सेवाकुंड ट्रस्ट? तो माझ्या नावाने आमच्या सर्व मित्रांनी काढलेला आहे. सेवाकुंडवरती प्रामुख्याने थ्रस्ट टाकतील नंदकुमार. नंदकुमार हे रेरेने काम करतात त्याच्यामध्ये तर नंदकुमार आपण सेवाकुंडाचं जे काही कार्य सुरू आहे त्याबद्दल नंदकुमार सांगतो. आपण सेवाकुंड ट्रस्ट ही एक सामाजिक ट्रस्ट आहे आणि साहेबांच्या नावाने ती ट्रस्ट आम्ही मित्रमंडळी स्थापन केली आहे. त्यामध्ये आम्ही आदिवासी भागातली जी मुलं होती त्यांना आम्ही आता 25,000-30,000 शालेय साहित्याचं वाटप मोफत केलेलं आहे. सीमाडोह, मेळघाट, धारणी जिथं रस्ते पण जायला नाही अशा ठिकाणी जाऊन आम्ही वाटप केलं. पालघरसारखा एरिया, ठाणे, तर अशा ठिकाणी आम्ही हा उपक्रम राबवलेला आहे. त्यानंतर आम्ही वृक्षारोपणाचा 61 एक हिरक महोत्सवी एक उपक्रम हाती घेतलेला आहे. त्यामध्ये 61,000 फळझाडांची आम्ही लागवड करत आहे. 33 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक 10 गावांची आम्ही निवड केलेली आहे. त्या 10 गावांमध्ये आमची टीम जाईल, सेवाकुंडची टीम जाईल, त्यांना फळझाडं देतील, त्याची लागवड होईल, त्याचं आमच्याकडे नोंद असेल आणि आम्ही त्यांना विचारू की या झाडांचं काय झालं आणि एक वर्षानंतर त्यांना आम्ही त्या झाड जगवल्याबद्दल त्यांना एक मानधन 500 रुपये त्यांना मानधन आणि ते त्या घरच्या महिलेचा साडी चोळी देऊन सत्कार करणार आहे असा आमचा उपक्रम आहे. आणि यासारखी जलसंचय अशी पंचसूत्री हाती घेतलेली आहे आणि वर्षभरात आता एक खूप मोठ्या प्रमाणावर हे कार्य होत आहे. जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करण्यासाठी आपण काय सामाजिक संदेश द्या? वृक्षारोपण ही आवश्यक गोष्ट आहे. आता सर्व काँक्रीटच्या जंगलामध्ये सर्व झाडांची 2,00,000 कोटी झाडांची आवश्यकता आहे आपल्या यामध्ये. त्यामुळे आपला एक खारीचा वाटा आम्ही आमच्या पद्धतीनं उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि सर्वांनी यामध्ये सहभागी झालं पाहिजे आणि या कार्याला मोठं केलं पाहिजे. त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आरोग्याविषयी काय तुम्ही काम करता? आम्ही आता आदिवासी भागांमध्ये विशेषतः आम्ही ॲम्ब्युलन्स आता 108 नंबरला फोन केला दिवसभर कोणी उचलत नाही असे खूप अनुभव आम्हाला आलेले आहे. मोठे मोठे हॉस्पिटल पुण्यासारख्या शहरांमध्ये आहे. महाराष्ट्रातील खूप लोक गोरगरीब तिथे येतात पण त्यांना आरोग्य सुविधा मिळत नाही. मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलचं ते सर्व इंटिरियर बघून ते घाबरतात. तिथं डायरेक्ट 7-8 लाख, 10 लाख बिल सांगितलं जाते. ज्यांच्याकडे पैसे आहे त्यांचं ऑपरेशन होतात. इतरांना मात्र काही मार्ग नसतो. असे कितीतरी लोक आमच्याकडे येतात पण आम्ही त्यांना घेऊन धर्मदाय आयुक्तांकडे जातो, त्यांचं पत्र घेतो आणि त्या हॉस्पिटलला जाऊन भांडतो की यांचं ऑपरेशन करा आणि फंड नंतर जमा करा. मग असे कितीतरी लोकांचं सेवाकुंडच्या माध्यमातून आम्ही मोफत ऑपरेशन करून दिलेलं आहे. त्यांच्याकडे 1 रुपया नसतानाही हृदयाचं ऑपरेशन त्या हॉस्पिटलने केलेलं आहे. नंतर मग तो फंड त्यांचे कागदपत्र गोळा करतात, ते फंड घेतात, शासनाकडून मदत नंतर मागवतात. 3 महिन्याचा वेळ असतो, ते सर्व गोळा करतात. पण हे कार्य सेवाकुंडच्या माध्यमातून असे कितीतरी प्राण आम्ही पुण्यामध्ये वाचवलेले आहे. हे कार्य अविरत आमचं सुरू असणार आहे आणि साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पंचसूत्री खूप खूप मोठ्या प्रमाणावर आमची चालणार आहे. धन्यवाद.